हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू आर फाइन. सो मैम इज बैक अगेन एंड टुडे वी आर गोइंग विद आवर फोर्थ चैप्टर ऑफ स्टैंडर्ड फोर एंड ग्रामर. ग्रामर का फोर्थ चैप्टर मैम लेके आई है आज. इससे पहले हमने क्या फिनिश किया था? सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स, राइट? आज मैम आपको वन मोर टाइप ऑफ नाउन सिखाने वाली है और हमारे चैप्टर का नाम क्या है? काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स. क्या होते हैं काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स? मैम विल टीच यू इन हर दिस वीडियो. ओके मैम, आपको आज क्या सिखाने वाली है? काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स. बट बिफोर मैं आपको एक न्यू नाउन सिखाऊं, मैम पहले आप एक छोटा सा रीकैप ले लेते हैं जो हमने प्रीवियस नाउन्स किए. ओके, अभी तक हमने कौन से नाउन्स किए हैं? फर्स्ट तो हमने व्हाट आर नाउन्स किया, नाउन क्या होता है, यस. उसके बाद हमने प्रॉपर नाउन किया, कॉमन नाउन किया. उसके बाद हमने सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स किया एंड हमारे लास्ट वीडियो में हमने किया था एक न्यू नाउन, दैट इज कलेक्टिव नाउन. अब ये जो चैप्टर है हमारा काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल, ये आपका फोर्थ नाउन है जो किससे रिलेटेड है? आपके प्रीवियस चैप्टर से. सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स एंड कलेक्टिव नाउन्स जो होता है वो मिलकर बनाते हैं काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन. अब वर्ड देखकर और हम सुनकर ही समझ सकते हैं कि ये चैप्टर किसके बारे में होगा. थिंग्स विच वी कैन काउंट, काउंट करना जो हम गिन सकते हैं, एंड अनकाउंटेबल जो चीजें हम नहीं गिन सकते. लेकिन पहली बार जो चीजें हम गिन सकते और नहीं गिन सकते उसको हम कब डिफरेंशिएट करेंगे? हमने उसकी प्रीवियस वीडियो में भी आपको कहा था कि हम तब डिफरेंशिएट कर पाएंगे जब हमें पता होगा कि क्या है नाउन्स, राइट? तो नाउन्स क्या होते हैं? नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग, राइट? नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग्स आर कॉल्ड नाउन्स. नाउन्स किसको कहते हैं? किसी भी पर्सन का नेम, एनिमल का नेम, प्लेस का नेम हो या फिर थिंग्स का नेम हो. तो यही एनिमल और पर्सन को हम काउंट करेंगे ना. तो बेसिकली हम क्या काउंट करने वाले हैं? दैट इज नाउन्स, यस. तो हम हमारा मेन जो टॉपिक क्या होगा इस चैप्टर का? दैट इज नाउन, राइट? अब नाउन्स हो गए, मैम ने आपको कहा था कि नाउन्स हो गए नेम, प्लेस, एनिमल एंड थिंग. फॉर एग्जाम्पल, बॉय, बेंच, दीज आर ऑल थिंग्स, राइट? बट अब मैम आपको सेकेंड करने वाली है, दैट इज सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल नाउन. What are singular and plural noun? क्या होता है? आपको पता है things which are one, जो चीज सिर्फ one होती है वो होती है singular, yes, that belongs to only one. And जो चीज more than one होती है उसको हम क्या कहते हैं? Plural, right? जैसे कि and अब singular and plural के कुछ rules होते हैं जो मैम ने आपको सिखाया था. Singular को जब हम plural में convert करते हैं तो वी मेक देम काउंट. फॉर एग्जाम्पल, वन मार्कर, तो वन मार्कर. लेकिन अगर वन से ज्यादा हो गए तो क्या हो जाएंगे? टू मार्कर्स. क्या हो जाएंगे? यस. तो जो प्यूरल शो करने के लिए हम काफी सारी चीजें ऐड करते हैं, काफी रूल्स, जैसे कि एस ई एस, एस आई ई एस एंड वी ई एस. जैसे कि आप बोर्ड पे देख सकते हो, फॉर बॉय, बॉयज. अगर कोई भी चीज पर्सन है तो हम ओनली क्या लगाते हैं? एस. थिंग्स विच एंड विद सी एच साउंड या एक्स साउंड, एस साउंड, तो वहां पे उनका प्लूरल करने के लिए हम क्या लगाते हैं? की एस, राइट? देन अगर वाई है आपके लास्ट वर्ड में, अगर वाई के आगे वोवल्स है, देन वो वाई को हम किससे शो करेंगे? विद हेल्प ऑफ एस. लेकिन अगर वाई के साथ कॉन्सोनेंट है, वाई प्लस कॉन्सोनेंट, देन प्लूरल फॉर्म में उसकी जगह पे क्या लगाते हैं हम? आई ई एस. जहां पे भी एफ या एफ ई वाले वर्ड्स हो वहां पे क्या लगता है? वी ई एस. तो ये एक रूल है ऑफ सिंगुलर एंड प्लूरल, यस. फर्स्ट मैम ने आपको क्या बताया? व्हाट आर नाउन्स? नाउन्स क्या होते हैं? नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स, राइट? उनको हम क्या कहते हैं? नाउन्स. अब नाउन्स जो है उसको हमें वन या मोर देन वन में बोलना हो तो हम किस चीज का यूज करते हैं? हम सेकेंड नाउन का यूज करते हैं, दैट इज सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन. अब सिंगुलर से जब हमें प्लूरल करना होता है तब हम कुछ रूल्स फॉलो करते हैं, जैसे कि एस ई एस, आई ई एस और वी ई एस. यू नो वेयर यू विल यूज इट. आपको पता है कि ये
कब अप्लाई करना है, राइट? पता है ना, मैम ने आपको आपके प्रीवियस चैप्टर में सिखाया था, वन मोर रीकैप भी मैम ने यहाँ पे दिया है, यस, कि जब सी एच साउंड है या एस साउंड है, एक्स साउंड है, एस साउंड है, तब वो प्यूरल फॉर्म में क्या हो जाएगा, उसके साथ ई एस एड हो जाएगा. वेन वाई प्लस वोवल है देन क्या हो जाएगा, ओनली एस. जब y प्लस कॉन्सोनेंट होगा देन क्या हो जाएगा, आई एस. एंडिंग विथ f या एफ ई साउंड वो हो जाता है विथ ई एस. अब ये है सिंगुलर एंड प्यूरल. सिंगुलर और प्यूरल में एक और चीज ऐड होती है जो मैम आपको अभी बताने वाली है, दैट इज नाउन कैन हैव इरेग्युलर प्यूरल फॉर्म्स. यहाँ पे आप देख सकते हो इरेग्युलर प्यूरल. इरेग्युलर प्यूरल किसको कहते हैं, जो चीजें हम ज्यादातर यूज नहीं कर रहे, ओके. एंड व्हेन द सिंगुलर चेंज स्पेलिंग कंप्लीटली, ये साइड आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो आपका जो सिंगुलर है उनका कोई स्पेलिंग चेंज नहीं होता है. वी एड, यहाँ पे हम एड करते हैं, क्या करते हैं, हम एड करते हैं, क्या एड करते हैं, एस ई एस आई एस, राइट. हमारा जो स्पेलिंग है वो चेंज नहीं होता है. लेकिन इरेग्युलर प्यूरल में क्या होता है, आवर सिंगुलर चेंजेस स्पेलिंग कंप्लीटली. हमारा जो सिंगुलर फॉर्म है वो प्यूरल में जाने के बाद अपना स्पेलिंग चेंज करता है, या तो वो कंप्लीटली चेंज करेगा या फिर इनसाइड वोवल है वो चेंज हो जाएंगे. फॉर एग्जांपल फूट, फीट, देखो यहाँ पे वोवल रिप्लेस हुआ है, यस. वुमेन, वुमेन. चाइल्ड बिकम्स चिल्ड्रन, यहाँ पे कोई भी रिप्लेस नहीं हुआ है, कंप्लीटली चेंज. माउस, माइस. टूथ, टीथ, हमने ये भी पहले किया हुआ है. दिस पॉइंट इज इम्पोर्टेंट फॉर दिस चैप्टर, तो इसको अच्छे से समझे. क्या है इरेग्युलर प्यूरल, जो अपना सिंगुलर स्पेलिंग है वो कंप्लीटली चेंज करता है. बट यहाँ पे सम मोर एग्जाम्पल मैम ने आपको दिए है विच डज नॉट चेंज इन प्यूरल फॉर्म. Yes, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो जब अपने प्यूरल फॉर्म में जाएंगे फिर भी वो अपनी स्पेलिंग है वो चेंज नहीं करते, जैसे कि फिश, फिश प्यूरल फॉर्म में उसका फिश ही होता है. वन फिश, फिश. मोर फिश भी फिश ही होगा, फिशेस नहीं लिखते हैं हम. शिप, शिप. डियर, डियर. यहाँ पे इनका कोई प्यूरल फॉर्म नहीं होता है. सो ये था एक रिकैप अबाउट नाउन्स, हमारा फर्स्ट पार्ट. आपको काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल करने के लिए आपको टू नाउन्स कंप्लीटली क्लियर होने चाहिए. तो इस वीडियो में मैम आपको फर्स्ट वीडियो में ओनली रिकैप दे रही है अबाउट नाउन्स एंड सिंगुलर प्लूरल नाउन्स. नाउन्स तो आपको पता है, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग्स को हम क्या कहते हैं, नाउन. अब थिंग्स है वो वन भी होती है एंड मोर देन वन भी होती है. तो जो चीजों को हम वन से मोर देन वन में कन्वर्ट करते हैं तो वो होता है हमारा सिंगुलर टू प्लूरल नाउन. सिंगुलर प्लूरल ऐड करने के लिए देयर आर सम रूल्स विद एस, ईएस, आईईएस एंड वीईएस. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज इरेग्युलर प्लूरल विच चेंजेस देयर स्पेलिंग कंप्लीटली व्हेन इट टर्न्स इनटू अ सिंगुलर टू प्लूरल. जब वो सिंगुलर से प्लूरल में जाते हैं तो वो जो अपना स्पेलिंग है वो कंप्लीटली क्या करते हैं, चेंज करते हैं, ओके. सो आई होप आपको नाउन्स क्लियर होगा. नाउ लेट्स गो टू कलेक्टिव नाउन. सो फर्स्ट हम मैम ने आपको क्या बताया, सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स. अब एक और रिकैप है, दैट इज कलेक्टिव नाउन. इससे भी आप काफी फेमिलियर हो. व्हाट आर कलेक्टिव नाउन्स? कलेक्टिव नाउन रिफर टू द स्पेशल नेम्स गिवन टू ग्रुप ऑफ थिंग्स, पीपल और एनिमल. जो चीजें ग्रुप में होती है, ओके, जो चीजें ग्रुप में होती है उनको जो नेम दिया जाता है दैट इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन्स. कलेक्टिव नाउन्स मीन्स ग्रुप ऑफ थिंग्स, ओके. ग्रुप ऑफ थिंग्स हो या फिर वो पीपल हो, ग्रुप ऑफ एनिमल्स हो, तो उनको जो हम नेम देते हैं वो होता है कलेक्टिव नाउन्स. मीन्स दैट इज ऑल्सो इन अ प्लूरल फॉर्म. सो कलेक्टिव नाउन हमने पहले कि अपने लेसन्स में किया हुआ है, दैट इज अ प्राइड ऑफ लायंस. अगर मोर देन वन लायंस जा रहे हैं जंगल में तो हम उनको लायंस ही, प्राइड ऑफ लायंस बोलते हैं. क्या बोलते हैं, जो चीजें ग्रुप में होती है तो वो चेंज हो जाता है. जैसे कि अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स, अगर एलिफेंट बहुत सारे आपको दिख रहे हैं, मोर देन वन, तो वो हर्ड ऑफ
ज्यादातर जंगल्स में क्या होता है, जब वो लोग जंगल में अपना फूड या जाते हैं खाने के लिए या वाटर रिवर साइड पे, तो वो अपने ग्रुप के साथ जाते हैं, उनके लीडर्स होते हैं, वो लीडर को फॉलो करते हैं एनिमल्स में। तो एनिमल्स जो है वो ग्रुप में जाते हैं। अगर काउ का ग्रुप ले लो, यस, तो वो हर्ड हो गया। अगर शीप का हो तो हम वो फ्लॉक ऑफ शीप बोले जाते हैं, जो हमने रोड साइड में काफी बार देखा हुआ है, राइट। देन बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, म्यूजिशियंस आपने देखे होंगे, वो वन या टू इंस्ट्रूमेंट से तो नहीं बजाते, वो पूरा एक ग्रुप होता है, मोर देन 3 to 5 पीपल के वो अलग अलग जो है इंस्ट्रूमेंट्स बजाकर वो म्यूजिक प्रोड्यूस करते हैं। तो जब वो एक ग्रुप में काम करते हैं, जैसे कि पीपल, पीपल भी है, कहीं पे जगह पे गैदरिंग होता है, तो हम अगर मोर देन वन पीपल हो तो वो क्राउड हो जाता है। क्या हो जाता है? क्राउड। सो क्राउड ऑफ पीपल हो गया, देन थीव्स की गैंग हो गई, राइट। सो बुक्स है आपके, तो चेस्ट ऑफ ड्रॉवर्स हो गए, लाइब्रेरी ऑफ बुक्स होता है, अगर आप जहाँ पे मोर देन 2, 2, 3, 5, 4 अगर हो रूम में और बहुत सारी बुक्स हो तो हम उसको क्या कहते हैं, लाइब्रेरी ऑफ बुक्स। तो वो होता है कलेक्टिव नाउन। क्या होता है कलेक्टिव नाउन? विच रिफर टू ग्रुप्स ऑफ थिंग, पीपल और एनिमल, दैट इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। आर्मी ऑफ सोल्जर्स, मोर देन वन हो तो क्या होगा, आर्मी ऑफ सोल्जर्स, तो उसको हम क्या कहते हैं, आर्मी। देन यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस है, ओके, जो मैम अब हमने जो प्रीवियस में क्या किया था कि आपको मैम ने सिर्फ लर्न करवाया था कि हम एनिमल के ग्रुप को या पर्सन के ग्रुप को या थिंग्स के ग्रुप को किस नेम से बुलाते हैं, राइट। लेकिन अब इस चैप्टर में आपको करना होगा विद द हेल्प ऑफ सेंटेंस, आपको सेंटेंस में फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज कलेक्टिव नाउन। आई होप आपको कलेक्टिव नाउन तो समझ में आ गया होगा। कलेक्टिव नाउन्स में कौन से वर्ड होते हैं? प्राइड, हर्ड, बैंड, देन आर्मी, चेस्ट, देन इवन सेलर्स, ओके, लाइब्रेरी, वो सबको हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन, राइट। तो उसी का कुछ एग्जांपल्स है ऑफ सेंटेंसेस, जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस आप देख सकते हो, वी नोटिस अ कॉलोनी ऑफ एंट्स इन द एटिक। तो आप बता सकते हो मुझे कि इसमें क्या है कलेक्टिव नाउन, क्या होगा? यस, क्या होगा कलेक्टिव नाउन इस सेंटेंस में? वी नोटिस अ कॉलोनी ऑफ एंट्स, यहाँ पे आपको क्या दिया है, किसके बारे में फर्स्टली तो बात हो रही है सेंटेंस में, अबाउट एनिमल्स, किसके बारे में बात हो रही है, एनिमल्स के बारे में, यस। तो सेंटेंस में किसके बारे में बात हो रही है, एनिमल के बारे में, कि जो एंट्स है वो कहाँ है, इन द एटिक, यस। वी नोटिस अ कॉलोनी ऑफ एंट्स इन द एटिक, एटिक मींस रूफ, यस। एंट्स आपने काफी देखे होंगे और एंट्स का भी ऐसे ही होता है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि जो एनिमल्स है वो है, उनका एक लीडर होता है और वो लीडर के पीछे ही आप फॉलो करोगे। आपने हमारे घर में अपने काफी बार एंट देखा होगा, तो आप नहीं देखोगे कहीं पे कि सिंगल एंट चल रहा है, वन एंट अगर चल रहा है तो उसके पीछे 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 पूरे एंट्स की क्या हो जाती है, लाइन, वो एक को ही फॉलो, अगर आपने ब्रेक कर दिया उसको फिर भी वो अपना सिग्नल ढूंढ कर आगे जाते हैं, राइट। सो एंट्स जो होते हैं वो ग्रुप में होते हैं, तो यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है, ग्रुप ऑफ एंट्स, तो एंट्स के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, कॉलोनी। तो यहाँ पे हमारा जो कलेक्टिव नाउन है वो क्या है, कॉलोनी। अ टीम ऑफ वॉलीबॉल प्लेयर्स विन द मैच, यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो टीम ऑफ वॉलीबॉल प्लेयर्स, यहाँ पे कौन है, वॉलीबॉल प्लेयर्स, यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है, अबाउट प्लेयर्स, किसके बारे में, प्लेयर्स के बारे में, तो वो कौन है, पर्सन है, राइट। अब पर्सन है तो वो क्या होगा, यस, प्लेयर्स मैच, तो प्लेयर्स की क्या होती है, टीम, क्या होती है, टीम, तो हम क्या कहेंगे उसको, प्लेयर्स के ग्रुप को क्या कहते हैं, हम टीम कहते हैं, ओके। तो यहाँ पे हमारा कलेक्टिव नाउन क्या है, यस, क्या होगा हमारा कलेक्टिव नाउन, टीम हो जाएगा। तो आपको सेंटेंस में कैसे रिकॉग्नाइज करना है, यू हैव टू फर्स्ट रिकॉग्नाइज के व्हाट द सेंटेंस इज टॉकिंग अबाउट, सेंटेंस है वो किसके बारे में बात कर रहा है, यहाँ पे हम प्लेयर्स के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम एंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे कि मैम ने आपको कहा कि ग्रुप ऑफ थिंग, पीपल या एनिमल, वो थिंग के बारे में बात कर रहा है, एनिमल के बारे में बात कर रहा है या पीपल के बारे में बात कर रहा है, आपको उस चीज को पहले अच्छे से देखना है, ओके। अगर वो किस चीज के बारे में बात कर रहा है तो उसके
करेंगे वो चीज होगी आपकी कलेक्टिव नाउन। तो आई होप आपको मेरे फर्स्ट वीडियो में समझ में आया होगा कि व्हाट इज कलेक्टिव नाउन, व्हाट इज नाउन्स, यस सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स क्या होते हैं, इररेगुलर प्लूरल नाउन्स क्या होते हैं। इफ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज वॉच द वीडियो अगेन, अच्छे से वीडियो को देखें एंड फॉलो द PDF। मैम विल मीट यू इन हर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।